हेलो एवरीवन, और आज हम बात करने वाले हैं एब्सेसिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो एब्सेसिक एसिड भी एक प्लांट हार्मोन होता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कॉमन बेसिस पे ये प्लांट में पाया जाता है, इंक्लूडिंग द मॉसेस। इसके अलावा सम फाइटोपैथोजेनिक फंजाई में या फिर मेटाजोन्स में पाया जा सकता है। ये 15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं 15 कार्बन टारपिनॉइड, और सेस्की टारपिनॉइड भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि लाइक टारपिन जो होते हैं मेनली प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तरह काम करते हैं। तो इसके बारे में भी हम आने वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं। बट ऑल दो ABA दैट इज एब्सेसिक एसिड, इट इज़ रिगार्डेड एज अ 15 कार्बन टारपिनॉइड और सेस्की टारपिनॉइड। इट इज़ रेगुलेटेड रिगार्डेड एज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस के टाइम पे ABA का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है, दैट इज़ वाई इसको हम एक मेजर फैक्टर मानते हैं, या फिर ऐसा हार्मोन मानते हैं जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करता है। इट इज़ ऑल्सो सिंथिसाइज इन द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ लीव्स। इसके अलावा ये वैस्कुलर टिश्यू में भी प्रोड्यूस होता है, मेनली इन द लीफ एरिया। ABA ऑल्सो लाइक हैज़ बीन शोन टू बी अ हार्मोन दैट रेगुलेट सेलिनिटी, डिहाइड्रेशन एंड टेम्परेचर स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस इंक्लूडिंग द स्टोमेटल क्लोजर। इसके अलावा ABA कहाँ कहाँ काम करता है? सेलिनिटी में काम करता है, डिहाइड्रेशन में ये अपना रोल निभाता है, टेम्परेचर स्ट्रेस में, एज वेल एज स्टोमेटा के क्लोजर में भी इसका रोल देखा गया है। अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसको ग्रोथ इनहिबिटिंग कंपाउंड की तरह रिगार्ड किया गया था। सो इन 1960 आइडेंटिफाइड इन द 1960 एज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग कंपाउंड एसोसिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ बर्ड डॉर्मेंसी एंड प्रमोशन ऑफ द कॉटन फ्रूट एब्सेशन। तो इसकी डिस्कवरी मेनली इस तरीके से हुई थी कि जो बर्ड की डॉर्मेंसी होती है, यानी इनएक्टिवनेस होता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिकॉज ये सीड के जर्मिनेशन को भी रोकता है। साथ ही साथ जो कॉटन फ्रूट होता है, उसका एब्सेशन करवा रहा था एक कंपाउंड, एब्सेशन यानी जो फॉल ऑफ करवाते हैं, तो कॉटन फ्रूट का भी एब्सेशन करवा रहा था। लेटर वर्क शोड दैट द ABA प्रमोट सेनेसेंस, द प्रोसेस प्रीसीडिंग एब्सेशन रेदर दैन दी एब्सेशन इट्सल्फ। बाद में जो बाद का काम था, लाइक इसके ऊपर और भी काम चले, और बाद में मालूम पड़ा कि ABA एक्चुअल में सेनेसेंस यानी एजिंग को प्रोसीड करवाता है, ठीक है। द प्रोसेस प्रीसीडिंग दी एब्सेशन जो कि होता है, एब्सेशन से पहले का प्रोसेस जो होता है, दैट इज दी सेनेसेंस। तो इसका बहुत ही एक मेजर रोल देखा गया दैट इज सेनेसेंस में, और ये कंसेप्ट दिया गया था दैट इज फ्रेडरिक टी एडिकॉट के थ्रू। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर रखा है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एब्सेसिक एसिड। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बायोसिंथेसिस के बारे में, तो ABA ऑलमोस्ट ऑल सेल्स में ही सिंथेसाइज होता है, दैट कंटेन द क्लोरोप्लास्ट और द अमाइलोप्लास्ट, एंड हैज़ बीन डिटेक्टेड इन एवरी मेजर ऑर्गन ऑफ द टिश्यू, और मैक्सिमम ऑर्गन में इसका प्रेजेंस देखा जाता है ऑन अ माइनॉरिटी बेसिस। इसके सिंथेसिस की अगर हम बात करें, सो ABA इज सिंथेसाइज इन अ प्लांट बाई एन इनडायरेक्ट पाथवे विया द 40 कार्बन कैरोटीनॉइड इंटरमीडिएट। तो इसका एक इंटरमीडिएट होता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऐसा कौन सा लाइक यू नो दैट इज़ पाथवे है, बायोसिंथेसिस पाथवे, जिसमें कि कैरोटीनॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ अ ABA। तो इसका पाथवे भी आइसोपिनॉइड पाथवे ही कहलाता है, IPP पाथवे ही कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट। तो आइसोपिनॉइड पाथवे के थ्रू ही इसका भी सिंथेसिस होता है। सबसे पहले प्लास्टिड में दैट इज योर आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट, दैट इज IPP, इसका कन्वर्जन होता है जियाजैंथिन में। जियाजैंथिन दैट इज 40 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इसके बाद जियाजैंथिन का कन्वर्जन होता है वायलाजैंथिन में, जो कि अगेन 40 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। वायलाजैंथिन के बाद इसका कन्वर्जन होता है नियोजैंथिन में, जो कि अगेन 40 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड आफ्टर दैट एक एंजाइम हम लेते हैं यहाँ पे, दैट इज नाइसेट। ओके, 9,6 इपॉक्सी कैरोटीनॉइड डाई ऑक्सीजनेस। ये एंजाइम नियोजैंथिन को जैंथोजिन में चेंज कर देता है, जो कि कार्बन 15 कंपाउंड है। एंड आफ्टर दैट दैट इज योर जैंथोजिन, ये कन्वर्ट हो जाता है ABA-aldehyde में, जो कि अगेन C15 है। एंड अगेन ABA-aldehyde कन्वर्ट हो जाता है ABA में, जो कि C15 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। एंड फाइनली हमें साइटोसॉल के अंदर ABA का सिंथेसिस देखने को मिल जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि कौन सा लाइक जियाजैंथिन, वॉयलाजैंथिन, नियोजैंथिन, ये सब जो है प्लास्टिड में फॉर्म हो रहे हैं, और ABA लेकिन हमें साइटोसॉल में फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिग्नलिंग पाथवे की, तो इसके सिग्नलिंग पाथवे में मेनली फॉस्फाटेज एंड काइनेजेस का मेजर रोल देखा जाता है। और रिसेप्टर के बारे में बात करें तो इसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर भी देखा गया है,
और कुछ रिसेप्टर ऐसे हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड भी देखे गए हैं। तो इंट्रासेलुलर अगर रिसेप्टर्स की हम बात करें तो इनका नाम है PYR, PYL एंड RCAR। और लिगेंड की बात करें तो ऑब्वियसली ABA ही यहाँ पर काम करता है। यहाँ पे एक और आपको फैक्टर देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं PP2C, जो कि एक फॉस्फाटेज की तरह काम करेगा और वो रेगुलेट करेगा, दैट इज एक ऐसे काइनेस की एक्टिविटी को जो कि होगा सेरिनथ्रियोनिन, दैट इज योर प्रोटीन काइनेसिस, ठीक है। सो दे इंटरैक्ट विद दी PP2C फॉस्फाटेज इन अ ABA डिपेंडेंट मैनर टू रेगुलेट द डाउनस्ट्रीम एक्टिविटी ऑफ अ सेरिनथ्रियोनिन प्रोटीन काइनेसिस ऑफ सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग रिलेटेड काइनेस टू, जिसे हम SNRK2 फैमिली कहते हैं, ठीक है। और इन सब का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख रखा है कि इनका फुल फॉर्म किस किस बेसिस पे चलता है, दैट इज़ PYR, PYL एंड RCAR। लेकिन ये चीज़ें तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसको डायग्रामेटिक बेसिस पे पढ़ते नहीं हो। ओके, सो दिस इज़ अ डायग्राम, ठीक है। पहले हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ABA एबसेंट है, तब क्या होगा। जब ABA एबसेंट रहता है तो वेरी ऑब्वियस अब वो ABA रिसेप्टर से आकर बाइंड नहीं कर सकता। रिसेप्टर से जब आकर बाइंड नहीं कर सकता तो यहाँ पर SNRK2 रहता है। यहाँ पे बताया गया है व्हाट इज SNRK2, सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग रिलेटेड काइनेस 2। तो SNRK2 जो है इसको इनहिबिट करके रखता है PP2C नाम का फॉस्फेटेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ABA नहीं रहता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है SNRK2 का और ये इनएक्टिव रहता है। इसके इनएक्टिव रहने की वजह से जो डाउनस्ट्रीम एरिया में जितने भी फैक्टर होते हैं फॉर दी सिग्नलिंग पाथवे वो इनएक्टिव रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ BZIP नाम का एक फैक्टर है, दैट इज ABA रिस्पॉन्सिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर AR, दैट इज AREB और ABAF। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि ABA से रिलेटेड रिस्पॉन्स करवाते हैं प्लांट में, ये सब इनहिबिट रहेंगे। साथ साथ में अदर SNRK2 सबस्टेट भी इनएक्टिव रहेंगे, क्योंकि जब SNRK2 ही इनएक्टिव है तो उससे रिलेटेड जितने भी डाउनस्ट्रीम एरिया में जितने भी फैक्टर होंगे वो सब के सब इनएक्टिव रहेंगे। सो वी कैन से दैट इन द एब्सेंस ऑफ ABA द प्रोटीन फॉस्फाटेज PP2C कीप द प्रोटीन काइनेसेस SNRK2 डीफॉस्फोराइलेटेड एंड देयर बाई इनएक्टिवेटेड। अब अगर यहाँ पे SNRK2 जो कि एक मेन फैक्टर है अगर वही यहाँ पे इनएक्टिव रहा तो वेरी ऑब्वियस ये पाथवे तो रन हो नहीं पाएगा। लेकिन ये सारी चीजें कब पलट जाती हैं? जब ABA प्रेजेंट है। जब ABA यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये अपने रिसेप्टर से आकर बाइंड कर जाता है। इनके रिसेप्टर से आगे बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिवेशन के बाद ये PP2C से आकर कंबाइन हो जाते हैं। इनका कॉम्बिनेशन क्या करता है? इनका कॉम्बिनेशन SNRK2 का इनहिबिशन हटा देता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो काइनेज डोमेन है SNRK2 के पास वहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हो जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिवेशन के बाद BZIP और जो अदर सबस्ट्रेट थे उनका भी फॉस्फोराइलेशन कर देता है SNRK2 बिकॉज ये खुद एक काइनेज है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है, प्लांट में रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। सो वी कैन से दैट When ABA is present, its receptor prevent dephosphorylation of SNRK2 by PP2C. Phosphorylated, that is active SNRK2, phosphorylate downstream substrate, thereby activating, inducing ABA response. तो main यहाँ पे culprit कौन था? ये था। इसको ही जब हमने inactive कर दिया या पकड़ के रख लिया तो very obvious SNRK2 active हो चुका है, अब ये major तरीके से काम कर सकता है, that is why ये signaling यहाँ पर possible हो पाई है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ABA के एब्सेंस में एंड प्रेजेंस में कौन कौन से सिग्नलिंग पाथवे देखने को मिलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आए कि फॉस्फाटेज कब एक्टिव रहता है, दैट इज ABA के प्रेजेंस में या एब्सेंस में, तो अब आपको आंसर आना चाहिए कि यस ABA का एक्टिवनेस तब देखा सॉरी PP2C का एक्टिवनेस तब देखा जाता है जब ABA एब्सेंट रहता है। ओके, नाउ द फंक्शंस। ओके, ABA का फंक्शन क्या है? इट इनहिबिट द स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, ये स्टोमेटल ओपनिंग को इनहिबिट करता है। एंड ABA बायोसिंथेसिस और रिस्पॉन्स म्यूटेंट आर अनेबल टू क्लोज देयर स्टोमेटा अंडर द डाउट कंडीशन एंड आर नेम्ड एज अ विल्टी म्यूटेंट। तो देखा ये गया है कि अगर ऐसा प्लांट जिसमें कि ABA का बायोसिंथेसिस नहीं होता है तो उसका जो स्टोमेटा होता है मैक्सिमम टाइम ओपन रहता है। और आपको पता होगा मैंने ट्रांसपिरेशन में पढ़ाया था कि स्टोमेटा से लगभग 90% वाटर का लॉस देखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रांसपिरेशन। तो ऐसा प्लांट जिसमें ABA सिंथेसाइज ही नहीं होता और ABA का मेनली रोल होता है स्टोमेटा को क्लोज करवाने में, तो उस प्लांट में बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उस पर्टिकुलर प्लांट में जिसमें कि ABA का बायोसिंथेसिस नहीं हो रहा है उसे हम विल्टी म्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि
उसका जो फिजिकल अपियरेंस होता है वो बिल्कुल विल्टिंग प्लांट जैसे हो जाता है, जिससे हम बोलते हैं ना प्लांट मुरझा जाते हैं वाटर ना मिलने की वजह से, क्योंकि इस प्लांट विल्टिंग म्यूटेंट को वाटर तो मिलेगा लेकिन उस वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, वो उसे स्टोमेटा से लूज करता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देगा जिसमें कि एक प्लांट बिल्कुल ऐसा एज्यूम होगा मानो उसको वाटर ही ना मिला हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्ट्रेस हार्मोन की तरह काम करता है। एवीए प्रमोट डेजिकेशन टॉलरेंट इन दी एम्ब्रियो, यानी अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को टॉलरेट करने के लिए एबीए हेल्प करता है प्लांट की बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन एंड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट जीन। नेक्स्ट, रूट एंड शूट ग्रोथ में भी एबीए हेल्प करता है। एबीए प्रमोट रूट ग्रोथ एंड इनहिबिट शूट ग्रोथ एट अ लो वाटर पोटेंशियल। जब वाटर की कमी चलती है या फिर वाटर की डेफिशिएंसी देखी जाती है प्लांट के अंदर, तब एबीए रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड शूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। बिकॉज अगर रूट का ग्रोथ ज़्यादा होगा तो वो बहुत से एरिया से वाटर को एब्जॉर्व करके ला पाएगा, और शूट का ग्रोथ अगर कम होगा तो शूट एरिया वाटर को कम यूटिलाइज करेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो ये वाटर कंडीशन या वाटर स्ट्रेस कंडीशन चल रही होगी उसको मैनेज किया जा सकेगा। फोर्थ, एबीए प्रमोट लीव सेनेसेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द इथिलीन। तो एबीए भी लीव का सेनेसेंस करवाता है, बट ऐसा नहीं है कि इथिलीन भी लीव का सेनेसेंस करवाता है, तो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो, नहीं, एबीए अकेला करवाता है, इथिलीन भी अपना अकेला करवाता है, तो इट इज ऑल्सो प्रमोटिंग द लीव सेनेसेंस बट इंडिपेंडेंट ऑफ द इथिलीन। नेक्स्ट, एबीए लेवल इंक्रीजेज इन द सेनेसिंग लीव। ये वही बात बता रखी है ऊपर वाले पोर्शन की कि एबीए जो है, एबीए कंसेंट्रेशन ऐसी लीव जिनका सेनेसेंस हो रहा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है। एंड एक्सोजिनस एप्लीकेशन ऑफ द एबीए रैपिडली प्रमोट द सेनेसेंस सिंड्रोम एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सेवरल सैक्स विच इज कंसिस्टेंट विद द एबीएस इफेक्ट ऑफ द लीव सेनेसेंस। इसके अलावा जो सेनेसेंस को एक्टिवेट करने वाले जीन्स होते हैं उनका भी एक्टिवेशन करवाता है एबीए, और एबीए कंसंट्रेशन सेनेसेंस वाली जो लीव्स होते हैं जो अपने लाइक सेनेसेंस फेज में एंटर कर रहे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है। सिक्स पॉइंट, एबीए एक्यूमुलेट इन द डॉर्मेंट बर्ड। एबीए का एक्यूमुलेशन डॉर्मेंट बर्ड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है, मतलब मेनली डॉर्मेंसी यानी इनएक्टिवनेस को प्रमोट करता है। इट इनहिबिट द अल्फा अमाइलेज दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोट द डॉर्मेंसी एंड इनहिबिट द जर्मिनेशन। तो एबीए, आपको बताया गया था कि एबीए का एंटागोनिस्ट रोल होता है एज कम्पेयर टू द जीए यानी जिब्रेलिक एसिड, तो एबीए अल्फा अमाइलेज एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है ताकि वो सीड के जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर सके, जबकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड अल्फा अमाइलेज एंजाइम का एक्टिवेशन करता है, तो इसको आप जो है अल्फा अमाइलेज मान सकते हैं। एट्थ पॉइंट, एबीए प्रोडक्शन इन द सीड कॉन्साइड विद द डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ आईए एंड जीए। अगर एक सीड के अंदर एबीए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि आपने ये भी देखा है कि ऑक्सिन जो है जिब्रेलिक एसिड के सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करता है बाय द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द जिब्रेलिक एसिड बायोसिंथेसिस। लास्ट, एबीए इनहिबिट प्रीकॉशियस जर्मिनेशन एंड द वीवीपैरी। वीवीपैरी क्या होता है? वीवीपैरी होता है कि एक सीड अपने पेरेंट प्लांट से अलग नहीं हुआ है उससे पहले ही वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है, दैट इज वॉट कॉल्ड द वीवीपैरी। और अगर एक प्लांट वीवीपैरी शो कर रहा है या कोई ऐसा फ्रूट है जो कि वीवीपैरी शो कर रहा है तो दैट इज़ अ इंडिकेशन कि जब जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए उससे पहले ही सीड का जर्मिनेशन हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो ईल्ड को कम कर देता है, जो ओवरऑल ईल्ड होने वाली है उस पर्टिकुलर फार्मिंग से उसको कम कर देता है। तो अगर एबीए अच्छे खासे अमाउंट में रहता है एक प्लांट में तो वीवीपैरी देखने को नहीं मिलता है, यानी टाइम पे जब इंसान चाहेगा तभी उसका जर्मिनेशन होगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन दिया जाएगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, आई डोंट नो, जैसे मान लीजिए टमाटो में देखने को मिलता है कि अगर टमाटो को आपने कट किया तो ऐसा रेयर केस देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी सीड में से ऑटोमेटिकली एक छोटा सा बेबी प्लांट आपको दिख रहा होता है, या फिर मेज में देखा जाता है कि मेज में लाइक इस टाइप से इसके सीड्स होते हैं छोटे छोटे से, और किसी किसी में देखा जाता है कि उसमें से छोटे छोटे से प्लांट्स निकलना शुरू हुए हैं, जबकि वो अभी भी मेज जो है वो अपने पेरेंट प्लांट में ही लगा हुआ है, बट स्टिल डिस्पाइट ऑफ दैट उनके अंदर से छोटे से बेबी प्लांट्स निकलने लगते हैं, दैट इज वॉट कॉल दी वीवीपैरी। और ये वीवीपैरी कंडीशन तभी देखने को मिलता है जब उस प्लांट में एबीए का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। तो हम ये कहते हैं कि एबीए जब प्रेजेंट रहता है तो ये जर्मिनेशन, दैट इज प्रीकॉशियस जर्मिनेशन एंड वीवीपैरी इनहिबिट होते हैं, और अगर एक प्लांट एबीए में एबीए का कंसंट्रेशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता या उसमें सिंथेसिस नहीं होता है तो उस प्लांट में वीवीपैरी का कंडीशन देखने को मिलता है। फाइन,
अब यहाँ से हम डील करते हैं कि एक्चुअल में दैट इज टोमेटा का क्लोजिंग एंड ओपनिंग में इसका रोल कैसे होता है। अगर नॉर्मल बेसिस पे कहें तो एबीए का मेनली रोल होता है स्टोमेटा को क्लोज करवाने में, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये क्लोज कैसे होता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में, एक मिनट, फाइन। तो स्टोमेटा एक एपरेटस की तरह प्रेजेंट रहता है, दैट इज लीफ में, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं दैट इज योर गार्ड सेल, दिस इज अ गार्ड सेल। ठीक है, ये चारों तरफ इसके इस टाइप से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो होता क्या है, यही है स्टोमेटा, और ये जो यहाँ पे बना हुआ है दैट इज अ स्टोमेटल पोर। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल एंड सब्सिडरी सेल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, दैट इज स्टोमेटल अपर्चर बनाते हैं। तो इसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती है। तो सबसे पहले डे टाइम की बात करते हैं। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस देखा जाता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे लाइट प्रेजेंट होती है, लाइट प्रेजेंट होती है, CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट शुगर का फॉर्मेशन होता है, राइट। अब ये जो शुगर फॉर्म हो रहा है इसके यहाँ पे दो फेट होते हैं। कौन कौन से फेट? अगर इसको स्टोर होना है, अगर इसको स्टोर होना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज स्टार्च में, और अगर इसको ट्रांसपोर्ट होना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज सुक्रोज में, फाइन। तो जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो तो ठीक है कि सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ और ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द स्टार्च? तो जो भी शुगर स्टार्च में कन्वर्ट होता है, एक्चुअल में ये देखा जाता है कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है, स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में, और ब्रेकडाउन होने के बाद ये क्या बनाता है, दैट इज मैलिक एसिड, या फिर आप कह सकते हो स्टार्च का कन्वर्जन हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड क्या है? मैलिक एसिड इज अ वीक एसिड, जिसकी वजह से ये डिसोसिएट हो जाता है किस में, दैट इज मैलेट आयन में, मैलेट आयन एंड एच प्लस आयन में। इस एच प्लस आयन को हम प्रोटोन भी कहते हैं, और ये सारा रिएक्शन कहाँ चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है इनसाइड द गार्ड सेल, यानी ये वाले एरिया में ये सारा काम चल रहा है, ये है गार्ड सेल, ये है GC, सब कुछ गार्ड सेल के अंदर चल रहा है। यानी अगर अभी फिलहाल की बात करूँ कि गार्ड सेल के अंदर क्या क्या है, तो एक तो सुक्रोज जो बन रहा है वो है, इसके अलावा मैलेट आयन का कंसंट्रेशन बन चुका है एंड एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बन चुका है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या देखा जाता है कि एच प्लस आयन जैसे जैसे बन रहा होता है, एक यहाँ पे H प्लस ATPase पंप का एक्टिवेशन हो जाता है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और वो क्या करता है, वो H प्लस आयन को उठाकर बाहर फेंकने लगता है। यानी H प्लस आयन कहाँ जाने लगते हैं, H प्लस आयन्स जाने लगते हैं इन दी सब्सिडरी सेल। ठीक है, ये जो सब्सिडरी, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, ये है सब्सिडरी सेल, ये है GC यानी गार्ड सेल। ठीक है, तो H प्लस आयन अब सब्सिडरी सेल्स में जाने लगे, सब्सिडरी सेल्स में जाने लगे तो क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, और आपको पता है H प्लस आयन क्या करता है, बाहर जहाँ भी रहता है वहाँ पे एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, तो बाहर वाला एरिया क्या हो जाएगा, एसिडिक होने लगेगा। बट इन रिस्पॉन्स टू दिस H प्लस आयन एग्जिट, यहाँ पे क्या होता है, K प्लस आयन का भी चैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, K प्लस इन चैनल ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद क्या होता है, के प्लस जो आयन्स होते हैं वो कहाँ आने लगते हैं, इनसाइड द गार्ड सेल। ठीक है, और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन चैनल का भी ओपनिंग हो जाता है, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए क्लोरीन चैनल ओपन होता है, और ये क्लोरीन चैनल ओपन होने के बाद क्या करता है, क्लोरीन कहाँ आता है, क्लोरीन आयन भी गार्ड सेल के अंदर ही आता है।
तो देखा ये जाता है कि ये जो यहाँ पे पोटेशियम बना था या जो अंदर एंटर कर रहा है पोटेशियम, ये मैलेट के साथ मिलकर, ठीक है, मैलेट के साथ मिलकर क्या करता है, पोटेशियम मैलेट बना लेता है, पोटेशियम मैलेट, फाइन। अब अगर नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो यहां पे टोटल बेसिस पे यहां पे, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो के प्लस आयन लाइक के प्लस इन चैनल की जो ओपनिंग है उसमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट बेसिस पे साइटोकाइनिन भी हेल्प कर रहा होता है। तो अब यहां पे अगर हम देखें कि गार्ड सेल के अंदर अभी क्या क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल के अंदर अभी फिलहाल में क्या क्या प्रेजेंट है अगर हम देखें तो देर आर सो मेनी सॉल्यूट्स, बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है गार्ड सेल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे दैट इज दी क्लोरीन प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, मैलेट आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम मैलेट प्रेजेंट है। तो इतना सब कुछ सॉल्यूट को लेने के बाद गार्ड सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा लो हो जाता है, वेयर एज जो सब्सिडरी सेल है, ठीक है, सब्सिडरी सेल है, इसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा लो रहता है। अब वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है आपने, वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि वाटर अपने दैट इज हाई पोटेंशियल एरिया से ट्रैवल करता है लो पोटेंशियल एरिया में, और जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, यानी इधर वाले एरिया में जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, दैट मीन्स वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और जहां पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है वहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। तो अभी फिलहाल में अगर हम कहें तो दैट इज हाई वाटर का कंसंट्रेशन कहां है, दैट इज सब्सिडरी सेल में, और वाटर का कंसंट्रेशन लो कहां है, दैट इज गार्ड सेल में। तो वाटर कहां से कहां एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा दैट इज फ्रॉम गार्ड सेल टू स्टोमेटा, यानी जिसे हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। इस एंडो ऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, इस एंडो ऑस्मोसिस के कारण गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा एंड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये थी स्टोमेटल ओपनिंग की टोटल कहानी। और अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक बेसिस पे कहूँ तो सीधी सी बात है, अगर मैं सिर्फ एक गार्ड सेल को यहाँ पे बनाकर देखूँ तो H प्लस आयन को बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है, अंदर जो है दैट इज मैलेट का फॉर्मेशन हुआ है, और अंदर की तरफ K प्लस आयन आ रहे हैं, अंदर की तरफ क्लोरीन आ रहा है, यहीं पे पोटेशियम मैलेट बन रहा है। तो अगर नॉर्मल सी बात कही जाए तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और यहां पे H2O का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, इसीलिए वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ आता है और गार्ड सेल क्या हो जाता है, गार्ड सेल स्वेल हो जाता है। स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग की वजह से दैट इज योर गार्ड सेल का जो पोर होता है इनलार्ज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ पे जो लाइट की हमने बात की है, मेनली हम कहते हैं कि ब्लू लाइट का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा बहुत बेस्ट तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाता है। तो ये तो हमने लाइक बात किया, अगर नॉर्मल बेसिस पे मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये हमने किया कि ओपनिंग कैसे हो रही है, ओपनिंग स्टोमेटा की कैसे हो रही है, लेकिन ABA का मेजर रोल होता है किसमें, क्लोजिंग में। तो देखते हैं कि स्टोमेटा का क्लोजिंग कैसे होता है, ठीक है, ओके। तो दिन के टाइम में क्या हुआ, अगर क्लोजिंग की बात करें तो मेनली हम इसे नाइट इवेंट कह सकते हैं, या फिर अगर आप दिन के टाइम में भी क्लोजिंग करवाना चाहते हो तो आपको अगर एक्सटर्नल तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहोगे ABA तो भी क्लोजिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो नाइट में होता है ये। तो रात के टाइम पे क्या होता है, लाइट प्रेजेंट नहीं होता है, नो लाइट दैट मीन्स नो फोटोसिंथेसिस। मतलब क्या हुआ, जो दिन का स्टार्च है वो स्टार्च एज इट इज रहेगा, और इसका दैट इज कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्वर्जन के लिए लाइट की जरूरत है, यहां पे लाइट नहीं है तो क्या होगा, नो मैलिक एसिड। अगर मैलिक एसिड नहीं बन रहा है तो क्या होगा, नो एच प्लस आयन का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन जो H प्लस आयन दिन के टाइम पे प्रोड्यूस हुआ था और वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है दैट इज गार्ड्स दैट इज योर सब्सिडरी सेल में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक बड़ा सा गार्ड सेल बनाती हूँ, सिर्फ एक ही पार्ट बना रही हूँ मैं, तो देखने को क्या मिलेगा कि जितना भी H प्लस आयन बाहर था
सबसे पहले तो जितना भी एच प्लस आयन दिन के टाइम बाहर जा रहा था उसको पहले रोका जाएगा, और किसकी वजह से, रात के टाइम एबीए काम करता है, ठीक है। और ये जो चैनल ओपन होकर रखा था जो एच प्लस आयन को बाहर भेज रहा था, एबीए क्या करता है, इसको रोक देता है। साथ ही साथ एक ऐसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को एक्टिव करता है जो कि एच प्लस आयन को अंदर लेकर आएगा, एच प्लस आयन को अंदर लेकर आएगा, एच प्लस आयन को अंदर लेकर आएगा। साथ ही साथ ए बी क्या करता है, यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। अब ये कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण, ए बी ए का प्रेजेंस होने के कारण, जो एक यहाँ पे चैनल प्रोटीन का ओपनिंग होता है वो होता है दैट इज पोटेशियम का। पोटेशियम को अब बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है। जो क्लोरीन आया था दिन के टाइम में, अब क्लोरीन को भी बाहर भेजा जा रहा है, फाइन। और इस तरीके से जितने भी फैक्टर्स जो कि गार्ड सेल के अंदर, दिस इज अ जीसी, गार्ड सेल के अंदर दिन के टाइम में आया था, उन सबको बाहर भेजा जा रहा है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एच प्लस आयन अंदर की तरफ आ रहा है, तो हम कहेंगे कि अंदर का जो पीएच है अब वो एसिडिक होने लगा है, जबकि दिन के टाइम में बाहर का पीएच एसिडिक था। और इस तरीके से करते करते जो बाहर का सब्सिडरी सेल है, एज बिकॉज यहीं पे मैक्सिमम सॉल्यूट आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अब बाहर का यानी सब्सिडरी सेल का जो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अंदर से तो सारे सॉल्यूट बाहर आ चुके हैं, और वाटर का अमाउंट क्या होगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन एज बिकॉज गार्ड सेल ने दिन के टाइम में वाटर गेन किया है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि सारे सॉल्यूट तो बाहर निकल गए हैं, और सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा लो रहेगा। अब नाउ सारा का सारा प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं एग्जो ऑस्मोसिस। तो क्या देखने को मिलेगा, वाटर तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ट्रैवल करता है, तो ये गार्ड सेल जो है अपना वाटर रिलीज करने लगेगा, और वाटर रिलीज करेगा तो क्या होगा, दिन के टाइम पे इसी वाटर गेनिंग की वजह से स्टोमेटा ओपन हुआ था, अब वाटर लूज करेगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो देखा यह जाता है कि ये जितने भी पाथवे, मतलब आउट चैनल, ये सब आउट चैनल है जो बाहर भेज रहे हैं, तो इन आउट चैनल को ओपन एंड रेगुलेट करने का काम होता है कैल्शियम का। और कैल्शियम कैसे काम करता है, एक्चुअल में अगर नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए तो माना जाता है कि एबीए जब अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है गार्ड सेल में, तो या फिर आप कह सकते हो सेल सरफेस पे जब एबीए बाइंड करता है, तो देखा यह जाता है कि ये फिर एक्टिवेट कर देता है IP3 को, ठीक है। IP3 यानी ऑब्वियसली PIP2 को क्लीव करके IP3 एंड डैग में चेंज कर देता है। IP3 क्या करता है, IP3 दैट इज ER पे आता है, और ER पे कैल्शियम चैनल का ओपनिंग कर देता है, कैल्शियम चैनल ओपन, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट गार्ड सेल के अंदर कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, और कैल्शियम का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो ये सारे के सारे पाथवे को ये रेगुलेट करने लगता है, और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। लेकिन इनिशियल टाइम में कौन हेल्प कर रहा है, इनिशियल टाइम में एबीए ही हेल्प कर रहा है सब चीजों को नॉर्मल बेसिस पे कंट्रोल करने में। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर है, किसी किसी बुक में इस रिसेप्टर को सॉल्युबल रिसेप्टर भी बताया गया है, किसी किसी बुक में मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बताया गया, बट इट्स टोटली डिपेंड कि हम ले क्या रहे हैं। यहाँ पे जो रिसेप्टर है, यहाँ वाला रिसेप्टर, अगर मैं आपसे लेटेस्ट एडिशन की बात करूँ, तो यहाँ भी रिसेप्टर वही वाले बताए गए हैं, दैट इज PYL आपने जो देखा, PYR देखा, RCAR देखा, जो रिसेप्टर अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये वाले बिल्कुल यही वाले रिसेप्टर ही यहाँ पे काम में आते हैं, ये वाले, ठीक है। लेकिन कोई कोई जो आप पुरानी एडिशन की बुक देखोगे तो आप देखोगे इस मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर बना के रखा है, बट एनीवेज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन इस रिसेप्टर्स को आप कंसीडर कर सकते हो कि ये रिसेप्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कैल्शियम पे कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, वो कैल्शियम जो है इस तरीके से स्टोमेटल क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहा है। सो विद दिस वी आर डन विद द एब्सेसिक एसिड, और इसी में हमने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी पढ़ ली है। याद रखिएगा ब्लू लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो अगर नॉर्मल बेसिस पे अगर हम एक आउटलाइन देखना चाहें कि एब्सेसिक एसिड काम कैसे कर रहा था, तो यू कैन सी हियर ब्लू लाइट को रिसीव किया जाएगा गार्ड सेल के क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल जो प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में उसके थ्रू सिग्नल ट्रांसडक्शन का एक्टिवेशन होगा, एच प्लस जो पंप प्रेजेंट है उसका एक्टिवेशन होगा गार्ड सेल के मेम्ब्रेन में, स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा जिसकी वजह से मैलिक एसिड बनेगा, मैलिक से मैलेट एंड एच प्लस आयन बनेगा, एच प्लस आयन गार्ड सेल को छोड़ के बाहर जाएगा जिसकी वजह से सराउंडिंग सेल सॉलिडिफाई हो जाएगा।
आफ्टर दैट एसिडिक इन्वायरमेंट जो है एज वेल एज दी साइटोकाइनिन दोनों मिलकर के प्लस इन चैनल को एक्टिवेट कर देंगे. इसके बाद पोटेशियम आयन दैट इज गार्ड सेल के अंदर आएगा और सारा का सारा कंसंट्रेशन सॉल्यूट का गार्ड सेल के अंदर बनाएगा. एंड आफ्टर दैट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने के बाद जितना भी वाटर था दैट इज इन द सब्सिडरी सेल वो फिर गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा एंड स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. तो हम कहते हैं गार्ड सेल के अंदर जब वाटर एंटर करता है तो हम कहते हैं गार्ड सेल जो है दैट इज टर्गर प्रेशर के कारण इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है एंड स्वेल हो गया है. ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद द एब्सेसिक एसिड. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्टर के साथ हम डील करेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग.